नमस्कार, भारत के पहले मोबाइल न्यूज चैनल मेट्रो टीवी में आपका स्वागत है। मैं हूं अनामिका। इस खास न्यूज बुलेटिन में खबरों का सिलसिला शुरू करने से पहले एक नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। यूपी में समाजवादी पार्टी का चुनावी लॉलीपॉप, सीएम अखिलेश यादव का स्मार्टफोन ऑफर, अप्लाई अभी करें मिलेगा सत्ता में लौटने के बाद युवा मतदाताओं को लुभाने की कवायद। यूपी के मंत्री आजम खान का एक और विवादास्पद बयान, अंबेडकर की प्रतिमा पर बोले, यह आदमी हाथ का इशारा कर कहता है कि खाली प्लॉट मेरा है, अखिलेश की मौजूदगी में दिया बयान। हुर्रियत नेताओं पर बरसे राजनाथ, कहा हुर्रियत में नहीं है इंसानियत, सांसदों ने निजी तौर पर अलगावादियों से की मुलाकात। सुप्रीम कोर्ट से कैप्टन कुल धोनी को बड़ी राहत, विष्णु रूप वाले मैगजीन कवर मामले में आपराधिक याचिका की खारिज, धार्मिक भावनाओं से खिलवाड़ का लगा था आरोप। और बड़े टकराव की ओर क्रिकेट, फंडिंग को लेकर आमने सामने आ सकते हैं बीसीसीआई और आईसीसी, 2017 में होने वाले चैंपियन ट्रॉफी के फंड के लिए हुआ विवाद। केंद्रीय गृह मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा कि कुछ सांसद निजी तौर पर अलगावादियों से मुलाकात करने गए थे। उनकी ये पहल राज्य में शांति बहाली के प्रयास के तहत कश्मीर दौरे पर एक सर्वदलीय प्रतिनिधिमंडल के हिस्से के रूप में नहीं थी। राजनाथ ने संवाददाताओं से कहा, प्रतिनिधिमंडल के कुछ सदस्य हुर्रियत नेताओं से मिलने गए थे, अलगावादियों के साथ बैठक को लेकर हमने ना तो हाँ कहा था और ना ही ना। आप जानते हैं क्या हुआ, वे वहां निजी तौर पर गए थे। वे कश्मीर के शीर्ष अलगावादी नेताओं के साथ रविवार को प्रतिनिधिमंडल के कुछ विपक्षी नेताओं की वार्ता के प्रयास का उल्लेख कर रहे थे, लेकिन अलगावादियों ने उनके साथ बातचीत करने से इनकार कर दिया था। लैपटॉप के बाद अब लोगों को लुभाने के लिए अखिलेश सरकार स्मार्टफोन का सहारा लेगी। अगले साल यूपी में चुनाव होने हैं, फ्री लैपटॉप के बाद अब स्मार्टफोन दिए जाएंगे, लेकिन इस बार शर्त के साथ दिए जाएंगे। लोग स्मार्टफोन के लिए आवेदन कर सकते हैं, लेकिन डिलीवरी उन्हें 2017 की दूसरी छमाही में मिलेगी। इससे साफ है कि समाजवादी पार्टी अगर सत्ता में आई तो वह इस वादे को पूरा करेगी। सरकारी दस्तावेज के मुताबिक ये फोन गरीब लोगों को सरकारी योजनाओं और नीतियों के बारे में भी शिक्षित करेगा। इसमें लेटेस्ट सॉफ्टवेयर होंगे, साथ ही इसमें एक ऐप डाउनलोड होगी जहां यूजर राज्य सरकार की नीतियों पर अपनी प्रतिक्रिया भी साझा कर सकते हैं। सत्ताधारी समाजवादी पार्टी का मानना है कि स्मार्टफोन युवा मतदाताओं में निश्चित रूप से हिट हो जाएगा। यूपी की अखिलेश सरकार में कैबिनेट मंत्री आजम खान ने भीमराव अंबेडकर को लेकर एक विवादास्पद बयान दिया है। सोमवार को गाजियाबाद में हज हाउस के उद्घाटन के मौके पर उन्होंने कहा कि पूरे प्रदेश में एक व्यक्ति की प्रतिमा लगी हुई जो हाथ का इशारा करके खड़े हैं और बता रहे हैं कि जो भी प्लॉट सामने खाली पड़ा है सभी मेरा है। कार्यक्रम के दौरान बीएसपी पर निशाना साधते हुए आजम ने कहा, पूरे सूबे में एक व्यक्ति की प्रतिमा लगी पड़ी है। वे आगे हाथ का इशारा करके खड़े हैं, मतलब ये है कि जहां मैं खड़ा हूं वह तो मेरी जमीन है ही, सामने का खाली पड़ा प्लॉट भी मेरा है। खास बात यह है कि इस कार्यक्रम में मुख्यमंत्री अखिलेश यादव भी मौजूद थे। भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड क्रिकेट जगत में सबसे मजबूत और ताकतवर बोर्ड है। इस रसूख के चलते आमतौर पर अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट काउंसिल क्रिकेट संबंधी फैसलों में कोई भी फैसला बीसीसीआई की सहमति के बगैर नहीं लेता है। जाहिर है, जिस जगह से 80% क्रिकेट का रेवेन्यू आ रहे हो उसे कोई नाराज नहीं करना चाहेगा, लेकिन ये बात तब से बदली है जब से शशांक मनोहर आईसीसी के पहले स्वतंत्र चेयरमैन चुने गए हैं। बीसीसीआई के हितों को बार बार झटका लग रहा है। अब आईसीसी की चीफ एग्जीक्यूटिव बैठक में बीसीसीआई अध्यक्ष कुछ मुद्दों पर जरूर अपना पक्ष रखना चाहेंगे। हाल फिलहाल की बात करें तो बड़ा मुद्दा 2017 चैंपियंस ट्रॉफी का फंड है, जिसके लिए भारत में हुए टी20 वर्ल्ड कप की 3 गुना राशि दिए जाने की बात है। चीन से सरकारी मीडिया ने रविवार को कहा कि G20 शिखर सम्मेलन से पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की वियतनाम यात्रा का लक्ष्य चीन पर संयुक्त रूप से दबाव बनाना और देश के साथ उनकी सौदेबाजी बढ़ाना है। चीनी सरकारी मीडिया से कल ये टिप्पणी की। सरकार संचालित ग्लोबल टाइम्स वेबसाइट के एक आलेख में कहा गया है कि दक्षिण चीन सागर मुद्दे पर बीजिंग भनोई संबंध पिछले कुछ बरसों से सहज नहीं रहे हैं। चीन के बारे में वियतनामियों के मन में नकारात्मक भावनाएं भी बढ़ रही है। इसने कहा है कि इसके मद्देनजर मोदी की वियतनाम यात्रा बगैर किसी शक के कई राजनीतिक अर्थ देती है, जिसे ये माना जा सकता है कि नई दिल्ली और हनोई बीजिंग पर संयुक्त रूप से दबाव बढ़ सकता है।
इसने कहा कि इसके पीछे मूल कारण भारत और वियतनाम का हित है। नई दिल्ली और हनोई दोनों ही देश चीन के साथ अपनी बातचीत में अपनी सौदेबाजी की स्थिति को बढ़ाना चाहते हैं, लेकिन उनमें से कोई भी बीजिंग के साथ सीधी तकरार नहीं चाहता। सुप्रीम कोर्ट के पूर्व जज माकेंडकारजू ने एक बार फिर अपने ब्लॉग के जरिए जजों को चुनने वाली व्यवस्था यानी कॉलेजियम व्यवस्था पर तीखी टिप्पणी की है। काजू ने लिखा है कि कॉलेजियम व्यवस्था अपारदर्शी व्यवस्था है और इसके जरिए कई भ्रष्ट जजों की नियुक्ति की गई है। इस व्यवस्था में तुरंत ही परिवर्तन लाया जाना चाहिए। काजू ने कहा कि जस्टिस चलमेश्वर ने बैठक में ना जाने की वजह बताई है कि कॉलेजियम की मीटिंग अपारदर्शी होती है, केवल 5 लोग चुपके से बैठकर फैसले लेते हैं। जस्टिस काजू के मुताबिक इस व्यवस्था के अंदर गिव एंड टेक फॉर्मूला चलता है, यानी आप मेरा काम करिए, मैं आपकी मदद करूंगा। यहां बार्गेनिंग होती है, आप मेरा फेवर कीजिए, मैं आपका करूंगा। काटजू ने कहा, इस व्यवस्था से अच्छे जज नहीं आ सकते। इस सिस्टम ने बहुत सारे भ्रष्ट और अयोग्य जजों का चुना है। बीएसपी सुप्रीमो मायावती के खिलाफ अपशब्द कहकर जेल जा चुके बीजेपी के निष्कासित नेता दयाशंकर सिंह एक बार फिर सुर्खियों में हैं। इस बार भी पूर्व बीजेपी नेता दयाशंकर की सुर्खी की वजह उनकी जुबान ही बनी है। दयाशंकर सिंह ने एक बार फिर मायावती को लेकर अभद्र भाषा का इस्तेमाल किया है। मेनपुरी में कल दयाशंकर सिंह ने बीएसपी अध्यक्ष मायावती की तुलना कुत्ते से कर दी। मायावती पर की गई पिछले बयान को लेकर दयाशंकर जेल जा चुके हैं, लेकिन सुधरने को तैयार नहीं है। दयाशंकर सिंह ने कहा, मायावती एक डरपोक महिला है। मायावती उस कुत्ते जैसी है, जैसे गली में कोई गाड़ी जाती है तो कुत्ते उस गाड़ी के पीछे दौड़ने लगते हैं, और जैसे ही गाड़ी में ब्रेक लगता है तो कुत्ते पीछे भाग जाते हैं। भीड़ के सामने तो दयाशंकर शेर की धाड़े, लेकिन बाद में लगा कि कुछ गड़बड़ हो गई है तो कुत्ते की व्याख्या ही पलट दी। अपनी सफाई में दयाशंकर ने कहा, हमने मायावती को कुत्ता नहीं कहा, बल्कि ये कहा कि मायावती और उनके नेता हमें कुत्ता बताते हैं। दिल्ली सरकार के बर्खास्त मंत्री संदीप कुमार ने रविवार को पुलिस पूछताछ में अपने ओएसडी प्रवीण कुमार पर वीडियो लीक करने और ब्लैकमेल का आरोप लगाया। उसने 1.5 साल पहले एक महिला से संबंध होने की बात भी स्वीकार की। दिल्ली पुलिस के एक वरिष्ठ पुलिस अधिकारी ने बताया कि संदीप कुमार को रात भर सुल्तानपुरी थाने की जेल में रखा गया। रविवार सुबह 7 बजे से पूछताछ करीब 4 घंटे तक चली। सूत्रों के अनुसार संदीप डर डर कर पुलिस के सवालों का जवाब दे रहे थे। पूर्व मंत्री ने हिचक के साथ स्वीकार किया कि उन्होंने 1.5 साल पहले महिला से संबंध बनाए थे। उनके सुल्तानपुरी एफ ब्लॉक स्थित दफ्तर में ये वीडियो बनाया गया था। उन्होंने वीडियो बनाने की हरकत को अपनी मूर्खता बताया। हालांकि इस बीच संदीप की पत्नी ने अपने पति को निर्दोष बताते हुए पूरे मामले को राजनीतिक साजिश बताया है। ब्रिटेन में भारतीय मूल के सांसद किथवाज उस वक्त सेक्स स्कैंडल में फंस गए जब एक अखबार ने दावा किया कि उन्होंने पुरुष यौन कर्मियों की सेवा ली थी। समाचार पत्र संडे मिरर के मुताबिक साल 1987 से लिसिस्टर से लेबर पार्टी के सांसद चुने जा रहे वाज ने पिछले महीने की एक शाम इन पुरुष यौन कर्मियों को लंदन स्थित अपने फ्लैट पर बुलाया था और वाज ने उनके साथ समय बिताने के एवज में भुगतान किया। वे 2 बच्चों के पिता है। वाज ने हाउस ऑफ कॉमन्स की गृह मामलों की समिति के अध्यक्ष पद से हटने का ऐलान किया है। वे 10 वर्षों से इस समिति की अगुवाई कर रहे थे। सूत्रों के मुताबिक वाज ने एक बयान में कहा, मेरे कदम से लोगों को, खासकर मेरी माँ और बच्चों को दुख और दिक्कतें पैदा हुई है, उसके लिए मैं माफी मांगता हूँ। मैं समिति के अध्यक्ष पद से तत्काल प्रभाव से हटने के अपने इरादे के बारे में समिति को मंगलवार को सूचित करूंगा। जहर खाकर खुदकुशी की कोशिश करने वाली हरियाणा की जानी मानी सिंगर और डांसर सपना चौधरी की स्थिति अभी भी खतरे से बाहर नहीं है। सोशल मीडिया पर अपने चरित्र को लेकर उड़ रही अफवाहों से आहट होकर सपना ने रविवार की सुबह ये खौफनाक कदम उठाया था। फिलहाल नजफगढ़ के एक अस्पताल में सपना का इलाज चल रहा है, जहां उसकी हालात गंभीर बताई जा रही है। पुलिस इस मामले में तफ्तीश कर रही है। सोशल मीडिया में अपने खिलाफ उड़ रही अफवाहों से सपना काफी परेशान थी। सुसाइड करने से पहले सपना ने एक सुसाइड नोट भी लिखा है, जिसमें उसने सतपाल तनवर नामक शख्स पर उसे बदनाम करने की बात कही। साथ ही उसने सुसाइड नोट में हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर से भी इंसाफ की गुहार लगाई। फिलहाल पुलिस मामले की जांच कर रही है। पुलिस ने इस मामले में अभी तक किसी को गिरफ्तार नहीं किया है। खबरों के सफर में फिलहाल इतना ही। देश और दुनिया की पल पल की खबरों के लिए जुड़े रहिए मेट्रो टीवी के साथ। नमस्कार।